Anwar Ali is the baller, and we have seen the umpire crushes, the umpire catches, missed. So this delivery, oh, good ball, good delivery into the keeper's hand. मुजफ्फराबाद टाइगर जो है पहले गेंदबाजी कर रही है और अनवर अली यहाँ पर गेंदबाज हैं। ज़ीशान अशरफ बैक पोजीशन पर कीपर खड़े हैं। Yes, good shot and fielding in game is as well. Good fielding, absolutely. England. Yeah, very after by मुजफ्फराबाद brave in the Kashmir League is a good Pakistan brave. मुनफरिद दिलचस्प और हैरतअंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नौशाद मैं हूं महमूद न्यूज़ ऑन के साथ और इस वक्त बहुत जबरदस्त किस्म का मुकाबला होने वाला है। ये है पंजाब से जाहिद इकबाल, आपके अपने जाहिद इकबाल जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये है साइम। ये कश्मीर की शान, कश्मीर की आन और कश्मीर का गुरूर, और इन दोनों में कॉमन बात क्या है? इन दोनों में कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही कमेंट्री करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। तो कश्मीर के लोगों ने इसे अपना कमेंट्री का हीरो माना हुआ है, जबकि पंजाब के लोगों ने जाहिद इकबाल को अपना कमेंट्री का हीरो माना हुआ है। तो हमने सोचा कि आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म में हैं तो क्यों ना इन दोनों का मुकाबला कराया जाए और आप लोग जज करें कि इन दोनों में से सबसे अच्छी कमेंट्री जो है वो कौन करता है। तो सबसे पहले इनका इंट्रो आपको दे देते हैं और उसके बाद इनसे कमेंट्री का मुकाबला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और कितने आपके फॉलोअर्स हैं और कितने आपको व्यूज हैं वो अपनी ऑडियंस को बताइएगा। जी, मेरा नाम साइम इश्फाक है और मैं बेसिकली कमेंट्री करता रहा हूँ पिछले एक से डेढ़ साल, और डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर मैंने कमेंट्री की है, बट बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो है कि इतना ज़्यादा किसी ने शो नहीं किया, इतने ज़्यादा कमेंट्री किसी ने सुनी नहीं, जिसकी वजह से मौका नहीं मिला। बट न्यूज़ ऑन की वजह से मौका मिल रहा है, तो इंशाल्लाह इसे एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश की। चले, न्यूज़ ऑन इस वक्त आपके सामने है और आपको हम मौका दे रहे हैं कि आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकें। वैसे तो आपको सारे आपके चाहने वाले जानते ही है, लेकिन अब इन्होंने इंट्रो दिया तो आपका भी एक इंट्रो देना बनता है, तो अपनी ऑडियंस को अपना इंट्रो दें। मैं आपका अपना कमेंटेटर जाहिद इकबाल हूँ, तो जितने मेरे फ़ैन हैं मुकाबले की कोई बात नहीं, वो भी हमारा हिस्सा है, तो हम भाई हैं सब इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब हम इनसे कमेंट्री कराते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मुजफ्फराबाद टाइगर्स जो है वो बॉल करा रही है, तो जल्दी से साहिब हमें बताओ कि इस वक्त बॉलिंग साइड की क्या सिचुएशन है। Yeah, first of all, we have seen the Muzaffarabad Tigers is bowling and the Kotli Lions is batting. So what's the position? We have seen that Mohammad Hafeez have taken the wicket. First of all, we have seen the position of the fielding. From this position, we have seen Mohammad Wasim is underneath the ball. The ball goes over the fence, one bounce, and it's a four. It's a very good shot, but umpire calls it a six. So the position of the runs as Muzaffarabad Tigers are bowling first, and Kotli Lions have scored 55 runs with the loss of two wickets. And Mohammad Hafeez is the captain, and he's telling the bowler what to do. And at the leg side position, Mohammad Wasim, the fast bowler, right hand fast bowler, is at the leg position. We have seen Anwar Ali at the mid of position, he's standing near. So it's a very good match and a pleasant weather, because the sun goes off and the very good weather conditions of this Muzaffarabad cricket stadium. Very good. अच्छा जी जाहिद, आपको हम बैटिंग देते हैं, तो आप बताइएगा कि कोटली जो है वो इस वक्त कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है? Yes sir, single ball runs, good efforts in the by Kashmir Premier League and the good Pakistan and PCB Nejmat and first even then I love match the Muzaffarabad Tigers and spin ball again to open a straight drive is maximum beautiful six, good timing. Good. And the stay drive with the six more runs. अच्छा जी, अगली सिचुएशन ये है, आप मुझे पिच के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि बैटिंग साइड की पिच अच्छी है या बॉलिंग साइड की? I have played here in Muzaffarabad Cricket Stadium, so I think it's a very good looking batting pitch, because I have seen the pitch some cracks there, a good looking dry pitch, so I think it's a very good looking for the batting pitch. But we've seen that this pitch really had the spinners, because Mohammad Hafeez have already taken a wicket, the ball is spinning a lot, but I don't think so that this pitch didn't have really things for the fast bowler, as we have seen Anwar Ali's bowling has started, crosses the umpire, batsman standing, beautiful shot towards the offside, fielder there, could it be the two runs coming back, but no, just a single into the keeper's hand, Zeeshan. So it's a very good looking batting pitch, I think this really helped the fast. जो है वो बहुत ही मजेदार थी इस वक्त कमेंट्री कर रही है, लेकिन आपका अपना जाहिद इकबाल भी यहाँ मौजूद है। अच्छा जाहिद, मुझे बताओ तुम्हारा क्या रिव्यू है पिच के हवाले से? Yes, total scores 160-70. First day match again, Muzaffarabad Tigers one runs again. Swail Tanveer has a swell shot, Ahmed Shahzad big catch,
and this dominate to Bengal Muzaffarabad Tigers lose match. अच्छा सही मुझे बताइएगा कि आपकी क्या एजुकेशन है? जी अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैट्रिक आर्मी पब्लिक स्कूल बाग आज़ाद कश्मीर से की, देन मैंने एफएससी कैडेट कॉलेज मरी से की और अब मैं मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ कर रहा हूँ। ओके गुड। अच्छा मुझे बताइएगा कमेंट्री का शौक आपको कब और कैसे पड़ा? जी कमेंट्री के शौक की ये बात है कि मैंने इंग्लिश कहीं से भी नहीं सीखी। इवन ये है कि मेरी एक कज़न है वो मुझे मैट्रिक तक एफएससी तक टॉन्ट करती थी कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश का लफ्ज़ बोलना नहीं आता। तो इसके बारे में छोटी सी स्टोरी ये है कि मैं मैच देखने का बहुत ज़्यादा मुझे जो है क्रेज़ था और इतना अच्छा इनफैक्ट खेल नहीं पाते थे कि अपर लेवल पे परफॉर्म कर पाएँ, लेकिन कहते हैं कि जब शौक हो तो अल्लाह कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर देता है। तो रात को अक्सर पाकिस्तानी टीम जब इंग्लैंड में जाया करती थी मैचेस के लिए तो रात को 3-3 बजे मैचेस हुआ करते थे, तो रात को मैं उठ कर आराम से टीवी ऑन करके देखा करता था। तो अक्सर घर वाले उठ जाते थे तो उनसे मार भी पड़ा करती थी। तो काफ़ी सारे इस तरह के जो हैं हुए हैं रात को 12 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे उठ के मैचेस देखना। तो उसकी वजह से बस देख देख के मैचेस एक स्टार्ट से लोग सिर्फ मैच देख के लुत्फानंदोज़ होते हैं, लेकिन मेरा एक अल्लाह ने उस तरफ माइंडसेट डाला कि कमेंट्री भी मैं सुना करता था तो बस उसी से मैंने इंग्लिश भी सीखी और कमेंट्री भी सीखी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी इनका कहना ये है कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और इन्होंने सुन सुन के देख देख के जो इंग्लिश सीखी है। अच्छा भाई जाहिद तुम भी दो बातें बता दो, ये बता दो कि तुम्हें कमेंट्री का शौक कहाँ से आया और तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? मैं जब गाँव में मैच लगते थे तो बड़ा शौक था, तो गांव में रेडियो मेरे पास होता था, मैं ना मुलाजम होता था उधर पैसे नहर पे चढ़ाता था, तो वहाँ पे हिंदी में भी कमेंट्री होती थी। वहाँ से 4.3 ओवर में केवल बढ़िया बल्लेबाजी आज पाकिस्तान ने की है, यहाँ नागपुर स्टेडियम भारत में आज तो शाहिद अफरीदी ने हद ही पार कर दी, केवल एक शक्त डाल दिया और भारत को नाराज। तो वहाँ से सीखी। और इंग्लिश कहाँ से सीखी? इंग्लिश ये रेसलिंग थे भाई, रेसलिंग। जाहिद आपको पता है कि जाहिद के अंदर एक ये टैलेंट भी है कि ये डिफरेंट एक्शन पे जो है वो कमेंट्री करता है वेस्ट इंडीज के अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के, तो ये आप इसका मुकाबला कर सकते हैं इसके साथ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा जी ठीक है जी, इनका एक और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, पहले आपने इनकी कमेंट्री सुनी, अब ये एक्शन अपने चेंज करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको एक्शन बताती जाऊँगी आपने उसे चेंज करते रहना है। सबसे पहले आप वेस्ट इंडीज के अंदाज में कमेंट्री करके बताएंगे। So the basically we have seen the pitches looking very good for the batting. So Muzaffarabad Tigers and the captain Muhammad Hafiz and Anwar Ali is in the bowling. So the Anwar Ali is the bowler and we have seen the umpire crosses, the umpire catches missed. So this delivery, good ball, good delivery into the keeper's hand. Urdu mein hota hai. मुजफ्फराबाद टाइगर जो है पहले गेंदबाजी कर रही है और अनवर अली यहाँ पर गेंदबाज हैं, ज़ीशान अशरफ बैट पोजीशन पर, कीपर खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि अंपायर खड़े कोटली लॉइंस के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अनवर अली आए गेंद करवाने के लिए। स्टार्ट लिया, बहुत ही स्लो स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लिया अंपायर को किया क्रॉस, इस बार अच्छी गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी और डायरेक्ट कीपर के हाथों में, मगर इशारा अंपायर का वाइड डिलीवरी। आपका जो अपनी लैंग्वेज है कश्मीरी में उसमें भी करके दिखाएगा। जी हाँ, देख ही सकते हैं कि अनवर अली जड़े वे बॉलिंग कर रहे हैं, कोटली लॉइंस वाले जो ना खेलने अनवर अली बहुत चंगे बॉलर हैं, तो जो ना दो गेंदा उन्हें फटियाँ तो शॉर्ट पिच डिलीवरियाँ से जड़ा के सख्त बाउंसर से अगर उन्होंने मुहर लगी अन्नी तो बहुत शदीद नुकसान हो सकना था। अंपायर जो ना खड़े थे अनवर अली एक चांस दे रहे और वाइड फटी रहे, अगली गेंद देखने अनवर अली के रहे हैं, अनवर अली आए गेंद भाई फर शॉर्ट पिच डिलीवरी सी, लेकिन फर कीपर ने अथर स्लो गेंद फटी सी, बड़ी चंगी गेंद थोड़ी ही गेंद का स्विंग दिता लेकिन कीपर ने अथर बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी मुजफ्फराबाद टाइगर्स की तरफ से। वेरी गुड। अच्छा जी जाहिद अब आपकी बारी है, ठीक है बहुत इस वक्त टफ मुकाबला चल रहा है, उसके एक्सेंट उसकी बातें जो बड़े मजे की है, तो आप तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ठीक है। सबसे पहले तुमने कहना है वेस्ट इंडीज जस्ट टू अनवर अली एंड पाकिस्तान सुपरस्टार एंड मुजफ्फराबाद टाइगर्स एट बिग स्टार्ट एवर गो टू हिम एवर गो रीस्टार्ट ऑस्ट्रेलिया जल्दी से कर दो। यस गुड शॉट एंड फील्डिंग इन गेम इज अ स्वेल अगेंस्ट Good fielding, absolutely. England. Yeah, very absolutely. By Muzaffarabad Brave in the Kashmir League is a good Pakistan Brave. Bangladesh. Yeah, Torio said about stadiums and the big stadiums at the Pakistan Kashmir Brave League. Urdu. Good platform. बहुत ही खूबसूरत आज मैच हो रहा है। मौसम की वेदर की रिपोर्ट बताएं तो हल्की हल्की धूप निकली हुई है। अनवर अली अभी रीस्टार्ट अपनी कमर को पकड़ रहे हैं। के क्या बात हुई है, थोड़ी सी अंपायर बात
कर रहे हैं, तो अभी मैं जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है, पंजाबी में भी हमारे व्यूअर्स को सुनाओ जी। आज मुजफ्फराबाद ने लगता है कि टाइगरों ने टॉस जीतया वा ते गेंदबाजी करने का फैसला किया वा ते हुण रब जानदा केड़ा चंगा खेडेगा वही जीतेगा जी। जी नाजरीन, तो ये थे ज़ाइम और ये थे ज़ाहिद अली और दोनों ने अपना टैलेंट जो है वो आपको दिखाया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कमेंट्री करके आपको सुनाई है। तो अब आप लोगों ने डिसीजन लेना है, कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताना है कि आपको ज़ाइम की कमेंट्री ज़्यादा अच्छी लगी है, ज़ाहिद की कमेंट्री ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि आपके फैसले से जो है वो आगे इन्हें और मौके मिलेंगे अपना टैलेंट जो है आप लोगों को दिखाने का। तो इसलिए ज़रूर कमेंट सेशन में हमें बताइएगा कि आपको किसकी कमेंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हम और वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।